मैंने इस हफ्ते कुछ खास व्लॉग नहीं करा, ये हफ्ता बहुत ही बेकार गया अगर मैं अल्टीमेटली बताऊं तो। इसलिए इस हफ्ते में थोड़ा सा वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में ना थोड़ा सा नहीं कर पाया था। मैं ट्राई करूंगा अगले हफ्ते से कंटिन्यू रहने का। ऐसा लग रहा है दोपहर में निकल गया। एंड यहाँ का सीन थोड़ा अलग है, उतना मॉडर्न एरिया नहीं है, ना ही उतना कुछ डेवलप हुआ इधर। एक चीज बहुत अच्छी है कि इधर बहुत सुकून है, शांति है। अभी पेट्रोल डलवाते हुए जाना पड़ेगा मेरे को, लग रहा है फाटक अभी अभी खुला है। टाइमिंग अच्छी है कि मैं अभी इस टाइम पे आऊँ जब फाटक खुला हुआ है। और घर से बाहर निकलोगे तो एक छोटा सा मार्केट आता है एंड उसके बाद फिर ये रोड आ जाता है। वह मुझे यहाँ से सीधा जाना होता है, लेकिन अभी मैं सीधा नहीं जाऊँगा, मुझे इधर जाना है पेट्रोल डलवाना है। भाई कितने है पेटीएम, ये ताम झाम पहनना पड़ता है यार भाई, बिना मतलब बस वाले इतने खतरनाक तरीके से चलते हैं ना यार। यूजुअली जिस डायरेक्शन से मैं जाता हूँ ना उधर से मैं जा ही नहीं रहा, बिकॉज ये वाला डायरेक्शन जो है बहुत ही सुकून है इधर चलने में भैया, ट्रैफिक नहीं मिलते अल्टीमेटली, बस इस तरीके से ऑफ रोडिंग करते हुए जाना पड़ता है। और भाई मतलब इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग मैंने नहीं सोचा था यार। ओ भाई साहब, ओई ऐसे उतरेगा, ओई ओई देख रो, ऐसा कच्चा रास्ता मिलता है बस थोड़ी दूर के लिए, यहीं तक मिलता है बस। देखो ना जगह कितनी प्यारी है, सुकून है ना इधर। पता लास्ट टाइम ना क्या हुआ था, मेरी बाइक इधर उतर गई थी ऐसे, उसे गिरते गिरते बचा था मैं। ओप तेरी आसी की तैसी, तब तेज आ रहा है यार। ऐसे ऐसे जगहों के बारे में मेरे को पता लग गया है किधर से रास्ता जाता आता है, जहाँ से गाड़ियाँ ट्रैफिक कम मिले। पूरा ये एरिया गांव जैसा है भाई, बिल्कुल गांव जैसा है। ये देखो यहाँ पे तो हॉर्स राइडिंग होती है, वाह। थोड़ा सा ना इस तरीके के रास्ते को झेलते हुए जाना पड़ता है। ये घर देखो गाइस, सब एक जैसे लग रहे हैं ना मेरे राइट साइड में, उनके नंबर प्लेट्स भी एकदम यूनिक से। वैसे ये टाइम सही होता है भाई घर से निकलने का। अब लो भैया शुरू हो गया है मेरा असली हसल ऑफ ट्रैफिक, रोड होते हुए भी ऑफ रोडिंग करना पड़ रहा है। ऐसी रोड देख करके मुझे लगता ही नहीं कि मैं जयपुर सिटी में रहता हूँ। मुंबई यहाँ से 1162 किलोमीटर दूर है। इस बाइक से जा सकते है क्या मुंबई? अच्छा हमको सिखा रिया है। फिलहाल तो उन सब बातों को छोड़ो, यहाँ देखो फंस गया मैं वापस बेटा। इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ जाती हैं, इतनी ज्यादा भसड़ होती है ट्रैफिक की, और ट्रैफिक पुलिस वाला एक ही दिख रहा है मेरे को। कम से कम 10-15 होने चाहिए इधर मैनेज करने के लिए। फाइनली निकल गया भैया वहाँ से, इस जगह पे तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी यार। भाई साहब इन चचाओं को देखो, बिना हेलमेट के ऑफ रोडिंग पे निकल आए हैं घर से। बाइक चलाते वक्त या कार चलाते वक्त प्लीज ध्यान दिया करें, खुद के साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखें। जगह मिलने पर ही जा सकते हैं। जा भाई जा जा भाई जा जा। लेकिन एक सेकंड, समझ रहे हो? रोड अच्छी है, इलाका बढ़िया है, बट ट्रैफिक बहुत बेकार है भाई। सिटी लाइफ की ना एक सच्चाई है कि लाइफ भागा दौड़ी है भाई इधर। लो जी अब यहाँ तो लिटरली फंसना ही होता है हमेशा। 99.9999% यहाँ पे रेड लाइट ही मिलेंगे इस जगह पे। भाई साहब कमर की बैंड बज गई है बैठे बैठे। ये चमकते धमकते बिल्डिंग आपको लग रहा होगा कि कोई शॉपिंग मॉल है ना, नहीं ये एक हॉस्पिटल है। देखो अस्पताल लिखा हुआ ना। हाँ, ये फ्लैट्स हैं, काफी लग्जरी फ्लैट्स। ये जो जितने भी बिल्डिंग्स हैं आप देखते होंगे मेरे व्लॉग में, उधर जाने के लिए ना रोड के उस पर जाने के लिए मुझे पुलिया के नीचे से जाना पड़ता है। ये देखो पुलिया के नीचे से ऐसे मुझे निकल करके जाना पड़ता है। लो जी अपनी डेस्टिनी पहुंच गया मैं। पार्किंग के लिए जगह भी मिल चुकी है। Hey guys, finally, मैंने कैमरा स्विच कर लिया है और guess what? आज की शाम की क्लास में कितने लोग होंगे? बहुत सारे। अब मेरे को अभी थोड़ी नींद से आ रही है, पता नहीं क्यों नींद पूरी नहीं हो रहा ना आजकल। चलो थोड़ा सा मैं बैठता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, है ना, और फिर थोड़ी सी झलक अब देख लेना क्लास की, उसके बाद मैं निकलूँगा सीधा घर। कहीं रुकने का काम ही नहीं करना, थोड़ी देर में मिलता है, मतलब 15-10 मिनट में। बाय।
फाइनली फ्री हो गए। ये देखो ये टाइम हो रहा है अभी। अनिल पंडित मेरी लाइफ स्टाइल है, मोटो व्लॉगिंग है। श्योर, व्हाट्स योर नेम? आकाश। जल्दी से निकलते घर जाकर के फटाक से काम करते अपना और वीडियो अपलोड करते। मुझे वीडियो अपलोड करने की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। थोड़ा सा ये हफ्ता अजीब सा गया है मेरा, बट कोई बात नहीं, प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो चुकी है, इसलिए मेरा माइंड थोड़ा सा कहीं और मतलब इन्वॉल्व था इन सब चक्करों में। हफ्ते का आखिरी दिन ख़त्म, सैटरडे नाइट। अबे ये क्या चल रहा है तुम लोगों का? हमेशा समझती थी कि गोपाल बॉस का लड़कियों के साथ अफेयर है। हे भगवान, कभी कभी तो लिटरली फटती है। हाय बाय, मिलते हैं। बहुत ही अजीब जगह है यार, मतलब यहाँ पे तो लिटरली रुकना पसंद ही नहीं है मेरे को। अभी 8:30 बज रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी ट्रैफिक ज्यादा है। यही टाइम है सबका घर से बाहर निकलने का और घर आने का। जयपुर सिटी में जो ट्रैफिक होती है ना, वो शाम को बहुत ज्यादा होती है भाई। मतलब 5:30-6 बजे से लेकर के रात के 8:30-9 बजे तक भसड़ होती है ट्रैफिक की, बहुत ज्यादा। मेरे को ट्रैफिक झेलते हुए जाना पड़ता है भाई। ये देख रहे हो बस कैसे चलती है, गुस्से में चल रही है। बस वालों को मानना पड़ेगा यार, मतलब सबको साइड में चला। ओए ये क्या था, हट 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 हट, फंस गया पाँव में। ये देख रहे हो बस वाला कैसे चल रहा है। अबे यार मेरा वीडियो खराब कर रहा है, चला ऐसे रहे से कोई रेस लगा रहा है या फिर उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है, कोई पुलिस वाले पड़े हैं। भाई साहब ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है लिटरली, बिल्कुल पीछे पैं पैं पूं पूं कर रहा है यार ये। भगवान करे रेड लाइट में फंस जाए वो, ताकि मैं अपना आराम से शांति से व्लॉग कर सकूं। यार ये कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये सब? अरे मर्सिडीज को थोड़ा आराम से चलाओ यार। जाओ अंकल जी, आप ही जाओ। अरे यार नहीं जाओगे का? अरे भाई, अरे निकालो। इस तरीके से मुझे आना पड़ता है, जाना पड़ता है। अरे आंटी जी एक सेकेंड। भाई साहब मेरे सामने क्यों आती है ऐसी सिचुएशन? अरे भैया ग्रीन तो होने दो, जल्दी का है। अबे ये बस वाला मेरे पीछे लग गया फिर से आ गए रे बाबा। अबे मैंने क्या बिगाड़ा तेरा साले। मौसम वैसे काफी बढ़िया हो रहा है, अच्छी खासी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी एकदम मस्त। ये देखो जैसे उड़ रहे हैं ना ये सब, उससे पता लग रहा है कि हवा तेज चल रही है और अच्छी खासी चल रही है। लेकिन यार मौसम खराब मत हो जाना प्लीज। फाइनली छोटू सा टर्नल क्रॉस करेगा अपन। अरे भाई मैडम अभी आप फोन पे बात कर लो, अभी कार चला लो यार। डायरेक्शन चेंज करके जाना पड़ रहा है गाइस मेरे को, ताकि मैं जल्दी पहुंच जाऊं। बट टू बी ऑनेस्ट मेरा जो काम है ना उसमें डांसिंग का है, बट एक वर्कआउट है, मतलब उसमें एक वर्कआउट है जैसे डांस एंड फिटनेस होता है ना वो है। उसमें कैलोरी बहुत बर्न होती है, कैलोरी इन द सेंस कि जैसे लोग मोटापा कम करने के लिए आते हैं ना, कार्डियो करते हैं, भागते हैं, उनका फैट ज़्यादा मतलब कम होता है, उस चीज़ से मोटापा कम होता है अल्टीमेटली मेरे मतलब डांस फिटनेस के सेशन से ज़्यादातर। तो वो चीज़ मेरे बॉडी पे ज़्यादा दिखता है। हालांकि मेरी बॉडी सही है, मस्त लीन क्लीन मस्त है, बट थोड़ा मसल और होने चाहिए। तो मुझे ऐसा फील हुआ अगर डाइट ढंग से चल रही होती तो शायद मुझे ऐसा फील नहीं होता। अगर बॉडी में सही न्यूट्रिशन जाएगा, सही खाना जाएगा, तभी तो बॉडी सही से काम करेगी। और इसी के साथ घर पहुंचते हुए मैं आपको डांस दिखाता हूँ। ओ भाई का नाच रहे। अबे यहाँ देखो, इन चारों को देखो। मेरा बड़ा मन कर रहा था नाचने का जाकर के बारात में।